हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कॉल प्रॉब्लम ऑफ द डे, क्वेश्चन 1550 कंसेक्यूटिव थ्री कंसेक्यूटिव ऑड्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी लेवल का है और क्वेश्चन में ये है कि गिवन एन इंटीजर एरे ARR रिटर्न ट्रू इफ देयर आर थ्री कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इन द एरे और अदरवाइज हमें रिटर्न कर देना है फॉल्स। ठीक है, तो इनपुट में हमें एक एरे दे रखी है और हमें ये देखना है कि क्या उस एरे में थ्री कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स या इंटीजर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो अगर आ रहे हैं तो ट्रू रिटर्न कर देना है और अगर नहीं आ रहे हैं तो फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर तीन तो मेरे जो है वैसे ही इवन नंबर्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑड तीन ऑड नंबर्स आने का तो चांस ही नहीं आता, तो यहाँ पर मैंने फॉल्स रिटर्न कर दिया है। सिमिलरली इस वाले केस में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये तीन नंबर्स जो हैं 5, 7 and 23 ये तीनों ऑड नंबर्स आ रहे हैं और ये कंसेक्यूटिव हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया ट्रू। ठीक है, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है यार, इसको स्लाइडिंग विंडो से हम इजीली कर सकते हैं ना। तो स्लाइडिंग विंडो से हम इसको कैसे कर सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर अगर बताऊँ तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो मेरा n है वो क्या है, मेरा ARR डॉट साइज। ठीक है, मैंने साइज कर दिया और यहाँ पे मैं एक लूप चला सकता हूँ। अब देखो जो मैं लूप चला रहा हूँ ना, जीरो से लेके मैं चलाऊँगा n माइनस टू तक। ठीक है, और ये मैं क्यों चला रहा हूँ ये मैं अभी बताता हूँ कि लेट्स से यहाँ पर जैसे मान लो मेरे पास ये एक एरे दे रखे है। ठीक है, और इसमें मेरे पास कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने बोला कि मुझे स्लाइडिंग विंडो से इसको करना है। ठीक है, तो स्लाइडिंग विंडो का जो साइज़ होगा वो कितना होगा, वो होगा तीन। ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स पता करने हैं ना, तो उसका साइज़ मैं थ्री कर सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे एक विंडो मेरी ये हो गई, ठीक है, दूसरी विंडो मेरी ये हो गई, तीसरी विंडो मेरी ये हो गई एंड फोर्थ वाली विंडो मेरी ये हो गई और एक लास्ट विंडो मेरी ये हो गई। ठीक है, अब इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता, तो मैंने अपना इंडेक्स जो है वो यहाँ तक ट्रैवर्स करा बस। और ये जो पोजीशन है ये कौन सी पोजीशन है, अगर आप देखोगे कि अगर इसमें एन एलिमेंट्स है तो ये जीरो से इंडेक्स स्टार्ट होता है मेरा, तो ये हो जाता है मेरा एन माइनस वन। ठीक है, लास्ट पोजीशन कौन सी होती है मेरी, एन माइनस वन। ये वाली पोजीशन कौन सी होती है, एन माइनस टू। और इससे पहले वाली जो पोजीशन होती है वो होती है एन माइनस थ्री। तो यानी मेरे को कहाँ तक जाना है, n माइनस टू से जो पहले वाली जो पोजीशन है वहाँ तक जाना है। तो इसको या तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि लेस देन n माइनस टू, या तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि लेस देन इक्वल्स टू n माइनस थ्री तक मेरे को जाना है। तो ठीक है, अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को i प्लस वन। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ कि जैसे अगर ये पोजीशन है मेरी i, ठीक है, ये पोजीशन है मेरी i, तो ये पोजीशन क्या हो जाएगी i प्लस वन और ये पोजीशन क्या हो जाएगी i प्लस टू। तो मेरे को तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स मिल गए। तो यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ARR ऑफ i मॉड्यूलो 2 जो है वो मेरा इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, और मेरे को एंड कंडीशन लगा के क्या चेक करना है कि ARR ऑफ i प्लस 1 मॉड्यूलो 2 जो है मेरा वो भी इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक है, और एक लास्ट कंडीशन क्या है कि i प्लस 2 भी मेरा उसका मॉड्यूलो भी जो है 1 होना चाहिए। ठीक है, तो i प्लस 2 मॉड्यूलो 2 वो भी मेरा 1 होना चाहिए। तो अगर ये सब आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि भाई मेरे को 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स मिल गए, तो मैंने 2 रिटर्न करवा दिया। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं बाहर आ जाऊंगा और रिटर्न करा दूंगा फॉल्स और इसको मैं कर देता हूँ रन। तो देखो ये सबमिटेड हो गया है, सॉरी एक्सेप्टेड हो गया, इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था ये। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे 141 डेज आर कंप्लीटेड। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसनी इसकी आएगी कि भाई मैं एक ही लूप का यूज़ कर रहा हूँ, तो ओ ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ओ ऑफ वन आ जाएगी विच इज़ कॉन्स्टेंट। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।